हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि सीबीएसई ने अब नया पैटर्न अब फिर से अडॉप्ट कर लिया है, और पैटर्न किस चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं, जो सीबीएसई ने अब क्वेश्चंस का पैटर्न है उसको एब्सोल्युटली एक डिफरेंट रूप दे दिया है। इससे पहले आपने देखा होगा टर्म वन के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल रहे थे 40 मार्क्स के, और टर्म टू के लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, सभी मिक्सडअप थे। बट इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है उसकी मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ। जैसे कि अगर 9th और 10th की बात करें तो 9th और 10th क्लास के लिए जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है पहले से कंपैरेटिवली। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और इसमें आपको 40% जो क्वेश्चन हैं वो MCQ की फॉर्म में हो सकते हैं, केस बेस्ड भी हो सकते हैं या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई पैराग्राफ आपको गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपको वो क्वेश्चन भी गिवन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप। लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो आपके चैप्टर में से गिवन होता है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये क्लास 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। क्लास 9th और 10th के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन्होंने कह दिया है 20% आपको मिलने ही मिलने हैं, यानी यहाँ पर जो आपको दिए होंगे वो भी हैं, बट 20% क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिलेंगे, तो आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस देखें तो 40% आपको मिलेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, तो ये 40+20+40 आपका हो जाता है 100% जो हमारा क्वेश्चंस का डिवीज़न होगा। अब आप ये देखो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस किस टाइप के आते हैं। अभी तक सीबीएसई ने पर्टिकुलर जो एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पेपर का वो नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है दैट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। दो द सिचुएशन इज स्टिल ग्रिम एट वेरियस प्लेसेज, बट इवन देन जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन की टाइप है, वो सीबीएसई ने एब्सोल्युटली चेंज की है, तो ये आप बात माइंड में रखिएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें क्लास 11th 12th के लिए, सब के सब क्वेश्चन का टाइप सेम है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है सिर्फ इनकी परसेंटेज को लेकर। परसेंटेज कैसे, अगर हम ये बात करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पर ये 30% हो जाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप एज इट इज़ रहेंगे आपके, और ये होंगे 20%, 30+20 50%, और यहाँ पर जो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 50% मिलेंगे। इस तरह इन्होंने ये डिवीजन कर दिया है क्लास 11th और 12th के लिए। तो अगर इसके बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अगर आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो आई डोंट थिंक सो इवन आप या मैं भी नहीं कर पाऊंगा अभी। उसका रीज़न क्या है कि हमें सीबीएसई के एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है उसकी वेट करनी होगी, कि इस तरह जो है अगर इन्होंने अपना टाइप बताया कि ये ऐसी क्वेश्चन पेपर बनने वाला है तो इसका एग्जैक्ट पैटर्न क्या होगा। तो लेट्स सी, एंड वी होप कि आपके लिए कोई ऐसा एक बहुत बैड ड्रीम या एक जो ऐसा सपना पूरा ना हो, बुरा सपने की तरह ना हो कि आप उसको सॉल्व ना कर पाएं। क्वेश्चंस आपको 100% मिलेंगे, लेकिन आपको पता ही है एनसीईआरटी आपकी बहुत बड़ी एक हेल्प होती है, एक सपोर्ट होती है। एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं तो आप उनको इग्नोर मत कीजिएगा पढ़ने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो देयर आर एनी इश्यूज दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो ये जो अगर इस टॉपिक की भी बात करें, इसका भी सोल्यूशन आपके पास 100% मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपना माइंडसेट इन्हीं के अकॉर्डिंग करके आपने चलना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपको MCQs भी पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो देखते हैं क्या होगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।